गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फॉर्ब्स के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं रतन सिंह आपका स्वागत करता हूं। और बच्चे, आप चाहे जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर आप पब्लिक डिबेट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप सबको इंग्लिश की अहमियत के बारे में पता है। तो आज हम लोग जो शुरू करेंगे वो स्पोकन इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन 1 करेंगे। और इसमें बहुत रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम बातें यूज करेंगे, बहुत छोटी छोटी बातें, वो आपको हम सिखाएंगे आज। और बहुत बढ़िया स्लाइड्स बनाया हुआ है, आपकी काफी मदद करेगा। तो बगैर किसी टाइम को वेस्ट करें इसको स्टार्ट करते बच्चे। पहला जो टर्म देखिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे फोटो भी बना लगा रखी है ताकि आप इसको बड़ी आसानी से याद रख सकेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना कपड़े धुलने के बाद कि इसको सुखा दो, तो कपड़े सुखा दो किसी को आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, किसी और को बता रहे हैं कि भैया कपड़े सुखा दो। तो कपड़ों के लिए यहाँ पे देखिए, रेडीमेड गारमेंट्स यानी कि स्टिच जो क्लॉथ्स होते हैं, सिले हुए जो कपड़े होते हैं, उनके लिए हम क्लोथ्स यूज करते हैं। क्लोथ्स एक होता है क्लॉथ, जो अनस्टिच्ड क्लॉथ होता है, जैसे साड़ी हो गया, धोती हो गया, ये या पर्दे हो गए, इनको हम बोलते हैं क्लॉथ। लेकिन क्लोथ्स का मतलब शर्ट, पैंट्स, ट्राउजर्स, ये सारे क्लोथ्स होते हैं बच्चे। तो हमने बोला कपड़े सुखा दो, उसका इंग्लिश आप क्या बोलोगे? पुट द क्लोथ्स टू ड्राई। Put the clothes to dry. ये देखिए यहाँ पे लटकाया हुआ है ना, तो हमने इनको बोला कि भाई आप कपड़े को सुखा दो, तो कपड़े सुखा दो, put the clothes to dry, put the clothes to dry. Next slide जो है वो आलू छील लो। देखो छीलने के लिए इंग्लिश हम यूज करते हैं पील। पील मतलब जैसे छिलका उतार देना, जैसे आलू है या संतरा है, उसके हम इसको जो बाहर का वो होता है ना उसका शेल, उस शेल को हम निकालते हैं, तो छिलका जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो उसके लिए इंग्लिश टर्म हम यूज करते हैं पील, P-E-E-L, पील। और पील ऑफ, पील ऑफ का मतलब छिलका को ऑफ कर दो, मतलब हटा दो। ऑरेंज है, आलू है, या ऐसे भी बहुत से और फल है जिसका छिलका होता है, उसको हम क्या करेंगे? पील ऑफ करेंगे। तो पील ऑफ द ऑरेंजेज, पील ऑफ द पोटैटोज, पील ऑफ और कोई भी ककम्बर, ककम्बर को भी, खीरा जिसको ककम्बर बोलते हैं आप, तो ककम्बर को भी हम क्या करते हैं? पील ऑफ करते हैं बच्चे। सो पील ऑफ द पोटैटोज, peel off the oranges, peel off the banana, banana को भी हम peel off करते हैं, banana के छिलका को आप निकाल के खाते हैं ना, तो हम peel off करते हैं banana को, ठीक है? So peel off is छिलके उतार देना। आलू छील दो, संतरा छील दो, banana को छील दो, peel off, और उसके बाद banana, potato, oranges जो भी है वो लगाइए। बड़े इस्तेमाल की, रोजमर्रा की जिंदगी में हम यूज करते हैं। देखिए अब हमने लिखा peel off the orange, अब orange है, इसके छिलके को ऑफ कर दिया, peel, ये peeler, peel off the oranges, peel off the potato, peel off the banana. Next है बच्चे, बिस्तर लगा दो। कहते हैं ना सोने से पहले, भैया बिस्तर लगा दो, सोने का वक्त हो गया, खाना खा चुके हम लोग, तो make the bed या prepare the bed. Bed को हम क्या करेंगे? Make the bed. ये देखो बच्चा जो है यहाँ पे बिस्तर लगा रहा है, तो ये क्या कर रहा है इंग्लिश में? He is making the bed. He is making the bed या he is preparing the bed. और इसी को हमने जो इंस्ट्रक्शन दिया, कमांड दिया किसी को, तो हमने लिखा मेक द बेड या प्रिपेयर द बेड। ख्याल से याद हो गया आपको, मेक द बेड या प्रिपेयर द बेड। नेक्स्ट स्लाइड है बच्चे, दैट्स ढक्कन खोल दो। देखो ओपन, खोलने के लिए ओपन, और ढक्कन के लिए जो टर्म आप यूज करते हैं या तो लिड या कैप या कवर। यहां पे आप देखो, यहां पे इसके कैप को हटा रहे हैं, खोल रहे हैं, तो किसी चीज के ढक्कन को उतार दो। कोई डब्बा है, इसमें से कोई मिठाई रखा है, आप बोलते इसका ढक्कन हटा दो, तो यहां पे आप यूज करोगे ओपन द लिड या ओपन द कैप या ओपन द कवर। ओके, बहुत आसान है बच्चे। नेक्स्ट स्लाइड, नल खोल दो। अब देखो दो टर्न आपने सुना होगा, टर्न ऑन या टर्न ऑफ। टर्न ऑन का मतलब देखिए, नल है ना, इसको हम घुमा के इससे पानी निकलने लगता है। जब पानी आने लगता है क्यों आता है? क्योंकि हमने टर्न ऑन कर दिया। इसको हम पढ़ते टैप, टैप, टेप मत नहीं पढ़ना इसको, टैप पढ़ते। सो टर्न ऑन द टैप मतलब क्या हुआ बच्चे? नल को खोल दो ताकि पानी आने लग जाए। और इसी को अगर हम बंद करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए हमने बनाया, तो टर्न ऑफ, टर्न, देखिए टर्न घुमाना याद रहेगा आपको, टर्न ऑफ अगर करेंगे तो नल को बंद करेंगे, टर्न ऑन करेंगे तो नल को चालू करेंगे। सो नल बंद करो, टर्न ऑफ द टैप, और नल को खोलो, टर्न ऑन द टैप। तो टैप को खोल दो, टैप को बंद करो, टर्न ऑन, टर्न ऑफ। नेक्स्ट स्लाइड जो है बच्चे, दैट्स खाना लगा दो। खाना लगा दो का मतलब क्या होता? सर्व द फूड, फूड को सर्व करते, तो सर्व द फूड, खाना लगा दो, ठीक है बच्चे, इजी है। नेक्स्ट वन, जाकर सो जाओ या जाओ और सो जाओ, गो एंड स्लीप, गो एंड स्लीप, जाओ एंड सो जाओ या जाकर सो जाओ, गो एंड स्लीप। देखिए हमने दो वर्ब यूज करा, एक गो,
एंड दूसरा स्लीप, और कंजंक्शन एंड से जोड़ दिया इसको. सो गो एंड स्लीप मतलब जाकर सो जाओ, या हिंदी में हम ऐसे भी बोलते जाओ और सो जाओ. नेक्स्ट स्लाइड, आखिरी स्लाइड है बच्चे, दीवार के अगेंस्ट सहारा मत लो. देखिए ये दीवार बना हुआ, ये जो बच्चा है ना इसके अगेंस्ट, जैसे आप मेट्रो में कभी ट्रेवल करते ना तो मेट्रो में हमेशा वो अनाउंस करता रहता है, प्लीज डू नॉट लीन अगेंस्ट द डोर्स, दरवाजे के अगेंस्ट मतलब खड़े मत हो. तो दीवार के अगेंस्ट मत खड़े हो या दरवाजे के अगेंस्ट मत खड़े हो, आप क्या यूज करोगे, अगेंस्ट, लीन झुकना, खड़ा होना ना, मतलब झुक के टेक लगाना, टेक लगा के देखिए, टेक लगा अपना पूरा वेट जो है ना इसमें दीवार पे शिफ्ट कर दिया है. तो यहां पे हम बोलेंगे लीनिंग और अगेंस्ट. सो लीन अगेंस्ट द वॉल, लीन अगेंस्ट द डोर, और चूंकि ये नेगेटिव है मत करो, इसलिए आपने क्या लिखा, डू नॉट लीन अगेंस्ट. याद रखने की बात क्या है बच्चे, कि झुक के खड़ा होना या सहारा लेके खड़ा होना के लिए हम यूज करेंगे लीन अगेंस्ट. और लीन अगेंस्ट, दरवाजा है तो डोर्स लिखो, दीवार है तो वॉल लिखो. सो डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल या डू नॉट लीन अगेंस्ट द डोर्स. और अगर ये स्लाइड मेरा अच्छा लगा आपको तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिए ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके. अब इस वीडियो को लेकर हम कल मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच.